सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टूल को देखते हैं, टूडिकल टूल्स को। तो पहले मैं एक टॉप लेन को सिलेक्ट करता हूं और इसे नॉर्मल टू स्क्रीन कर देता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है उसे देखते हैं, इलिप्स। इलिप्स में भी चार तरह के टूल्स हैं, जो कि इलिप्स है, पार्शियल इलिप्स है, पैराबोला है और कॉनिक है। एक्चुअली ये जो पार्शियल इलिप्स है, पार्शियल इलिप्स, ये बिल्कुल इलिप्स आर्क की तरह वर्क करेगा। तो पहले देखते हैं हम लोग इलिप्स को। इलिप्स पे क्लिक करते हैं और सेंटर को डिफाइन करते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ से मेजर और माइनर रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं। अब उसके बाद अगर हमें इसे एडिट करना हुआ कि हमें माइनर रेडियस कितना रखना है, मेजर रेडियस हमें कितना रखना है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। पैरामीटर्स में आएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये रेडियस वन है, रेडियस वन को मैंने, अगर मैंने यहाँ से मेजर रखा हुआ है तो रेडियस वन को यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100 mm, और सेकेंड वाला जो रेडियस है मैं इसे कर देता हूँ 50 mm रेडियस। अब देख सकते हैं 100/50 का ये बन गया रेडियस, सॉरी इलिप्स। यहाँ से आप एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज इट। सो देख लेते हैं अब यहाँ से, अब नेक्स्ट को, ये है इलिप्स। फिर से एक इलिप्स को मैं बना लेता हूँ, ये सेंटर मैंने डिफाइन किया, और ये मेजर और माइनर रेडियस, और यहाँ से आप जो भी चाहते हैं, जितना भी चाहते हैं यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। जो अपने पास नेक्स्ट है वो है पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स मीन्स इट विल वर्क लाइक इलिप्स आर्क। सो पहले सेंटर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद मेजर और माइनर रेडियस को डिफाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आर्क दे देते हैं कि कितना बड़ा हमें आर्क चाहिए होता है। तो ये इलिप्स आर्क मींस पार्शियल इलिप्स जिसे बोलते हैं। इसमें भी और भी है, जैसे पैराबोला है और कॉनिक है। पैराबोला के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ से दे देते हैं सेंटर पॉइंट, और इसके बाद जितना बड़ा हमें पैराबोला चाहिए होता है। तो और हमें जैसे इस, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन से दिख रहा है पैराबोला, अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और पैरामीटर्स की हेल्प से आप इसे एडिट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो नेक्स्ट है वो कॉनिक। कॉनिक भी सेम, बिल्कुल सेंटर से पहले बनाएंगे, पहले सेंटर लाइन दे देंगे कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना है, और यहाँ से कोन बना लेंगे जिधर भी हमें चाहिए होता है बनाने के लिए, इस तरह से। तो मैं इन सभी को डिलीट करता हूँ। तो पॉइंट सिंपली कुछ नहीं है, बस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और एक पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमें कुछ बनाना होता है तो हम एक पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, और इसके बीच में आप डायमेंशन दे करके आप जिस तरह का प्रोफाइल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेरा है 1500 mm, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का भी डिफाइन कर सकते हैं आप डिस्टेंस को। इस तरह से पॉइंट को देकर के आप किसी भी तरह का प्रोफाइल बना सकते हैं यहाँ से। तो और अब देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट एक्चुअली ये बिल्कुल 2D और 2D में किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, मतलब ये बिल्कुल लिख करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D से 3D में कन्वर्ट कर देंगे इसकी हेल्प से। तो अभी सिंपल लिखने के लिए देखते हैं क्या है टेक्स्ट में। तो पहले टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट का ये ऑप्शन है, मतलब आप यहाँ से कुछ लिखिए, आप यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं आप अपने डिज़ाइन में, मॉडल्स में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे सिंपली एग्जांपल के लिए लिख दिया डिज़ाइन विद चंद्रकांत। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पर कितना स्मॉल सा दिखा रहा है, बहुत छोटा सा। तो इसका अगर आप चाहते हैं साइज, इसको एडिट करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, अब जिस तरह के भी लिखना चाहते हैं इसे एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट पे, उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। एक्चुअली मेरा सिस्टम कुछ स्लो है। अब उसके बाद ये आप देख सकते हैं चूज फॉन्ट में ये एक टेबल यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद ये जो है फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, अब किस तरह का स्टाइल रखना चाहते हैं, जैसे कि और किस टाइप का होना चाहिए हो। तो जैसे मैं एक सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एलिफेंट, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड। और इसे आप दो तरह से इसके हाइट को बढ़ा सकते हैं,
यूनिट से भी और पॉइंट से भी। पॉइंट में भी ये साइज है, टेक्स्ट साइज मीन्स आप इसे कितना बड़ा रखना चाहते हैं। इसे 72 मैंने कर दिया और मैंने इसे ओके कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना बड़ा बड़ा बोल्ड बोल्ड सा लिखा गया। और इसे आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये एक्चुअली अभी तो ये 2D में, पर हम लोग इसे बाद में 3D में भी देखेंगे कि 3D में किस तरह से वर्क करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।